विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, प्रदूषण और शराब नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग। 26/11 हमले पर पीएम मोदी ने कहा, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए बलिदान देने वालों को नमन। संविधान दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, आज अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद को नमन करने का दिन। सपा पर मायावती का निशाना, एससी एसटी आरक्षण से जुड़े बिल फाड़ने वाले लोगों से संविधान रहे सावधान रहे। आज से कांग्रेस का सदस्यता अभियान, एक परिवार नए सदस्य चार का नारा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। फरुखाबाद के फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट सेंटर के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में करियप्पा ग्राउंड पर राजपूत सैनिकों ने अपने मेहमानों के सामने निरंतरता परेड का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस विशेष मौके पर देश के पूर्व थल सेनाध्यक्ष और सरकार के मंत्री बीके सिंह, वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर सीपी महंती सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और अफसरों ने कार्यक्रम में भाग लिया और कंटिन्यूटी ड्रिल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड 27 तारीख को प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली के साथ कांग्रेस चुनावी रणभूमि का शंखनाद करने जा रही है। कांग्रेसियों ने इस रैली की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। तकरीबन 1,00,000 से अधिक लोगों की रैली में पहुंचने की संभावना है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ गए हैं इसको देख के। तो ये बड़ी तैयारी की गई है कांग्रेस की तरफ से, जहां प्रियंका गांधी का दौरा है कल और इसको लेकर कई बड़ी तैयारियां कर ली हैं। शंखनाद करने जा रही है कांग्रेस बुंदेलखंड में 27 तारीख को, यानी कि कल प्रतिज्ञा रैली के साथ कांग्रेस चुनाव रणभूमि में शंखनाद करेगी। इतने उत्पादित चीजें हैं भारत देश में, उत्पादन इतने ज्यादा हैं कि अगर उन्हीं से जो खर्च निकाला जाए, देश चलाया जाए। हम सिर्फ ये स्कूटी और स्मार्टफोन और इनका सबका कर्जा माफ की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जो उत्पादन हमारे यहाँ इंडिया में इतने हैं भारत देश में, कि उन उत्पादनों का अगर अपनी जेब में सरकार ना रखे और वो जनता पर खर्च करे, तो शायद हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। सोने की चिड़िया कहा जाता है। इतने उत्पादन है, खनिज लवण है, हर चीज़ है हमारे पर, यहाँ पर वन संपदा है, सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले से कोई इस तरह की अभी तक घोषणा नहीं करती रही कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में हैं, और ये हमारे आला कमान की बात है कि वो किसको मुख्यमंत्री घोषित करेगी बाद में या पहले। उनका कहना था कि बाहर के लोग, यानी कि अदरवाइज दूसरे ज़िलों के लोग, महोबा ज़िले के अंदर अपनी बेटियों की शादी करने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारे ज़िले में पानी की समस्या थी, तो आप यहाँ किस रूप से आए थे, किस मकसद से आए थे? उनको पता है, क्योंकि ये धरती जो आला उदल की धरती, यहाँ पे एक पारस मणि पत्थर भी पाया गया, हर इंसान जानते, हर व्यक्ति जानते। और जो उद्घाटन या उनने जो जल की सुविधा यहाँ पे की है, तो शायद मुझे नहीं लगता ये सिर्फ जनता का जो मन था वो जीतने के लिए आए थे। क्योंकि एक टाइम उन्होंने एक मुद्दा रखा था, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, 3 तलाक का मुद्दा उठाया था उन्होंने, और आज जब चुनाव आ गया है करीबी, तो उनने कहा 3 तलाक को ख़त्म करिएगा। उनके पास सिर्फ जनता को देने के लिए मुद्दे बचे हैं, उद्घाटन करने के लिए कैची और फीता बचा हुआ है, बाकी कोई उनके पास जनता को देने के लिए झूठे वादों के अलावा। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव के पास अनियंत्रित तेज रफ्तार लकड़ी लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा।
सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली और कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त कर्मचारी शिक्षक संगठन ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस दौरान संयुक्त कर्मचारी शिक्षक संगठन ने मांगे नहीं पूरी होने पर सड़कों पर बड़े पैमाने में आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश में संयुक्त संघर्ष संचालन समिति, संयुक्त संगठन सभी कर्मचारियों शिक्षकों का जो संगठन बनाया गया है उसके बैनर तले, यस फोर के बैनर तले पुरानी पेंशन प्रमुख मांग के साथ साथ समस्त कर्मचारियों की जितनी प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर के आज जनपद कलेक्ट्रेट जिला कार्यालय पे, जिलाधिकारी कार्यालय पे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मांग पत्र सौंपा है। और हमारी मांगे चूँकि कई तमाम हम लोगों के जितने भी संगठन हैं सब लोग संयुक्त रूप से अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से, सांसद विधायक के ज्ञापन के माध्यम से मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई हैं। अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर बृहद आंदोलन होगा। जो सभी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा वाले ज्ञापन लेकर आए हैं उनका मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन है और उनका ये कहना है कि पुरानी पेंशन की उनकी मांग की जा रही है तो हम जो है उचित माध्यम और उसको हम चाहे मुख्यमंत्री कर्मचारी संगठन ने प्रदर्शन किया है। सोनभद्र से ये खबर सामने आ रही है जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग उठाई गई है। संयुक्त कर्मचारी संगठन ने ये प्रदर्शन किया, सोनभद्र से ये खबर सामने आ रही है। पैदल मार्च कर ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के लिए कलेक्ट्रेट को। संयुक्त कर्मचारी संगठन ने यह प्रदर्शन किया है, काफी भीड़ देखने को मिल रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ज्ञापन सौंपा गया और जिलाधिकारी को यह ज्ञापन सौंपा गया है, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा गया है और इस दौरान संयुक्त कर्मचारी शिक्षक संगठन ने मांगे नहीं पूरी होने पर सड़कों पर बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रविंद्र जुड़ चुके सोनभद्र से। रविंद्र, क्या कुछ खबर है, कितने लोग दिखाई दिए थे इस ज्ञापन सौंपने के लिए जो पूरा जो जुट जा रहा था? बता दूं कि वहाँ पे जिलाध्यक्ष योगेश पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अध्यापक मौजूद थे जिन्होंने पेंशन बहाली के लिए जिला कलेक्टर पहुंच करके ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रविंद्र, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या है। पेंशन बहाली के लिए वो लोग चूंकि काफी दिनों संघर्ष रहते हैं योगेश पांडे जी के नेतृत्व में, उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नामित ज्ञापन कलेक्ट्रेट महोदय को सौंपा। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़े थे सोनभद्र से। पत्रकार समाज के हित में सदैव रुचि रखने वाला द जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष अंजनी कुशवाहा को बनाया गया है। अंजनी कुशवाहा हर समय पत्रकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और कोई भी कार्य या कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इनके सामाजिक कार्यों एवं पत्रकारों के हित में संघर्ष को देखते हुए इनको द जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुशवाहा को बनाया गया है। झांसी चिरगांव ब्लॉक के ग्राम इटोरा में सार्वजनिक शौचालय बन गया है और कागजों में चालू भी हो चुका है, लेकिन जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो इसमें ताले पड़े हुए थे और जब इसकी जानकारी लेने के लिए प्रधान को फोन लगाया गया तो उन्होंने कहा ये शौचालय समूह के हवाले है और समूह वालों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी बता दी है। और जब सेक्रेटरी साहब को फोन लगाया गया तो तब उन्होंने फोन से नेटवर्क गायब हो गया। ये थी चिरगांव ब्लॉक अंतर्गत इटोरा एक गांव जहां पे हमने आपको दिखाया कि सार्वजनिक शौचालय का क्या स्थिति है, कि कब से ये बन चुका है, पिछली पंच वर्षीय में बनी थी, उसके बाद इसका अभी तक किसी भी प्रकार का ना तो साफ सफाई हुई ना कुछ हुआ है और पर महीने इस पे 9,000 रुपये आते हैं और जो समुदाय के अंडर में है वो ये व्यक्ति खड़े हुए हैं और इनके पास 9,000 रुपये महीने आते हैं। इन्हें 9,000 रुपये के हिसाब से
एक रुपए का काम नहीं किया। जब आज हम लोग आए तब इसके ताले खोले गए। और क्या नाम है भाई साहब आपका? सियाराम जी। सियाराम जी आप देखते हैं इसको? हाँ जी। तो आपकी कितनी तनख्वाह है? अब 6000 रुपए तनख्वाह है, 3000 रुपए उसका वो है। तो आपने टोटल सामान कितना महीने से आप देख रहे हैं इसको? हमने तो अभी माने 1-1.5 महीने से देखा उसको। अभी जो हमने चाबी दी उनने तभी से देख लिया जी जी। है अब उसमें पानी आने की व्यवस्था नहीं थी तो उसमें चालू नहीं करी की तो हमने। जब से 2-3 महीने से उनसे बोला भी था, उनसे भी बोल दिया था। किनसे बोल दिया? चिरगांव से गए थे, वहाँ भी बोल दिया। से पानी जो वहाँ सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी कौन है आपके? वो सुधांशु जी। सुधांशु जी हाँ ठीक है। और प्रधान जी कौन है आपके? प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह हाँ दानी। प्रमोद सिंह दानी। तो आपने सबसे बोल दिया था? हाँ। तो आपने 2-3 महीने में ना तो उसके ताले खुलवाए ना आपने वो किया? तो अब जैसे सर हमने उनसे बोला अब भी करा देंगे हम, चालू कर देंगे उसको। ये थे समुदाय को जो देखते हैं पूरी शौचालय को, जो 9000 रुपये पर महीने का पाते हैं। और हमें नहीं लगता ये स्थिति देखे कि 1 रुपये का भी काम कराया गया। इनका काम बस इतना है कि ताले डाल देना और कभी कभी हम जैसे कोई व्यक्ति आते हैं बस उसको खोल के दिखा देना। देखते हैं अब आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। देखने वाली बात होगी। आलोक मिश्रा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता आलोक जुड़े हैं झांसी से। आलोक कितना समय हुआ है इस शौचालय को बने हुए? जी ये पिछली 5 वर्षीय में ये बन के लगभग कंप्लीट हो चुका था कागजों में जी। और जबकि इसकी मौके पर जब हम लोगों ने जाके देखा तो ये अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, इसमें ताले पड़े हुए हैं। जब हम लोगों ने जाके इसको प्रधान जी का फोन लगाया तो प्रधान जी ने हमसे कहा कि ये समूह के अंदर में, जब समूह वाले को हमने फोन लगाया जो कि सियाराम जी देख रहे थे समूह में, तो सियाराम जी मौके पर आए, उन्होंने ताले खुलवाए। जब ताले खुलवा के हम लोग अंदर पहुंचे तो पूरी स्थिति बिल्कुल विपरीत थी कागजों के। कागजों में जहाँ एक तरफ बन चुका है ये वहाँ बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ था। ऊपर ना ही टंकी है, ना ही जाल पड़े हुए हैं, ना ही नीचे पॉट लगे हुए हैं, ना ही कोई साफ सफाई है। और जो समूह के अंडर में आती है इसका ये नियम होता है कि 6000 रुपए तनख्वाह आती है और 3000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज आता है। और जबकि मेंटेनेंस और समूह के जो कार्यकर्ता के 6000 रुपए हैं उसके हिसाब से 1 रुपए का भी उसमें काम नहीं किया गया। ताले पड़े होते हैं ना तो उसमें झाड़ू लगाई जाती है ना तो वो किया जाता है। अगर ये देखा जाए पूरा घुमा फिरा के तो सरकार को चूना लगाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है ये। आलोक हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये पैसे आते मेंटेनेंस के नाम से तो वो किसकी जेब में आखिर जा रहे हैं? दरअसल ये जो आते हैं प्रधान जी के पास आते हैं ये पैसे, प्रधान जी के खाते से ये जाते हैं समूह के जो व्यक्ति समूह को देख रहा होता है, जो कि सियाराम जी देख रहे हैं शौचालय को, तो उसके खाते में जा रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे 6 और 3 9000 रुपए इनकी जेब में जा रहे हैं जी। आलोक कितने सार्वजनिक शौचालय बने हैं कुल एक एरिया में? एक जो वो होता है ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें एक ही होता है सार्वजनिक शौचालय जी। और वो भी पूरी तरह से बना नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। अगर बाहरी हम रंगन की बात करें तो लगभग ये चमाचम की स्थिति में, यदि कोई आला अधिकारी अफसर कोई आते हैं तो उसको बाहरी रूप से उसको दिखा दिया जाता है, इसकी चार चौकन दिखा दी जाती है कि ये बिल्कुल कंप्लीट है। यदि इसके ताले खुलवाने की बात की जाए तो ये बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है अभी भी जी। आलोक स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्या वो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द उपयोग में आए? जी स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जब से हम देख रहे हैं ये तब से इसमें ताले ही पड़े हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ताले खुल के इसमें हम लोग जाके सुचारू रूप से आना जाना हमारा स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम लोगों को बाहर खेतों में जाना पड़ता है, इससे बेहतर है कि हम अंदर ही जाएं। आलोक जो स्कूल है वहाँ पे शौचालयों की व्यवस्था कैसी है? ये सार्वजनिक शौचालय जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में एक ही होता है जी। तो उसके हिसाब से जो ये वही है जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसको भी जो भी समस्या होती है वो उसको यही आना पड़ता है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ झांसी से संवाददाता आलोक जुड़े थे। चंदौली जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से शिक्षिका की मौत हो गई है और वहीं टक्कर मारने के बाद वाहन समेत चालक घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि शिक्षिका वाराणसी से अपने पति के साथ स्कूल जा रही थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव कोयलसा विकास खंड के तोनारी गांव पहुंचे, जहां वो जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की भतीजी की शादी समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। अखिलेश के आगमन को लेकर सभी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है।
संभल कस्तूरबा गांधी के बालिका विद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के 39 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग का आयोजन बेसिक शिक्षा कार्यालय के सभागार में किया गया। भर्ती में कुल 465 आवेदनों के मुताबिक 200 आवेदक भर्ती के काउंसलिंग में बुलाए गए थे, जिनकी आज बीएसए कार्यालय में काउंसलिंग की गई। हर एक पद के लिए 5 आवेदकों को बुलाया गया है। काउंसलिंग में जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार आर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। संभल के चौधरी सराय में चेयरमैन पति और बसपा प्रत्याशी ने यात्रियों के लिए बन रहे विश्राम स्थल और पिंक टॉयलेट का निरीक्षण किया। इस दौरान चेयरमैन ने बताया कि दिल्ली और अन्य स्थानों से आने वाली बसें और यात्री इस स्थान पर रुकते हैं, जिनके लिए लंबे समय से टॉयलेट और विश्राम स्थल की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसको देखते हुए नगर पालिका ने यहाँ महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने का निर्णय लिया है। जो लोग दिल्ली से आते थे या दिल्ली जाने वाली सवारियां होती थी, लेडीज़ों को बहुत परेशानी होती थी टॉयलेट वगैरह की, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे टॉयलेट अच्छा सा पिंक टॉयलेट बढ़िया वाला खूबसूरत बना दिया जाए, जिससे राहगीरों को सहूलत हो जाए। इसके लिए बनेगा महिला को भाई दो बार खाजा तो। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।